बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा प्रदेश के विभिन्न केंद्रों में 1 फरवरी से शुरू हो गई है। प्रदेश भर में 1523 परीक्षा केंद्रों में 13 लाख से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को ट्रैफिक जाम मिलने से परीक्षा केंद्र देरी से पहुँचे, जिसके चलते विद्यार्थियों को स्कूल की दीवार और दरवाजे फांदते हुए देखा गया, जिसके चलते कई परीक्षा केंद्रों में हंगामा हो गया और जबरन प्रवेश करने वालों पर लाठी डंडों से कार्रवाई की गई, जिसके चलते बिहार परीक्षा केंद्रों में धारा 144 लागू की गई है। वहीं 12वीं की परीक्षा में ट्रैफिक जाम के चलते देर से पहुंचने पर दर्जन भर से अधिक छात्रों को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। इसे लेकर विद्यार्थियों ने सदर SDO से मदद की गुहार लगाई। कॉलेज का एंट्री हुआ ही नहीं था, 9:05 तक में उस कॉलेज का नहीं हुआ, जिसके कारण इतना जाम था। हम लोग 9:10 में क्या कहते पहुंचे, अंदर जाके अंदर से 1 घंटा रुकवाया, 1.5 घंटा रुकवा के उसके बाद बाहर भगा दिया गया। उमर वाली का टीचर लेट आ सकता है लेकिन बच्चा नहीं, हाँ टीचर लेट आ सकता है, सबके सामने में बोला। सर हम लोग आ रहे थे महिला कॉलेज में, जाम लगा हुआ था, वहाँ से पैदल गए 5 मिनट के लिए, गेट से निकले, 2 घंटे से निकले ना, तो हम लोग को नहीं अंदर में ले लिया गया, जबरदस्ती हम लोग घुसे अंदर में ले लिया गया। उसके बाद बोला 10:30 के बाद निकाल के उसके बाद बोला कि सब लोग घर जाइए, आप लोग कंपार्टमेंट का एग्जाम दे दीजिएगा मई में। बिहार परीक्षा समिति अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को सुरक्षा के मद्देनजर चारों तरफ से घेर लिया गया है। जिलों में 4-4 मॉडल परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिसमें अलग से समिति द्वारा विशेष रूप से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV, वीडियोग्राफी इत्यादि की व्यवस्था भी की गई है। सभी परीक्षा केंद्रों की चार दीवारी को दुरुस्त करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों को चारों तरफ से चार दीवारी से घेरा गया है। दरअसल परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल में परीक्षा से 30 मिनट पहले पहुंचने को कहा गया था। ऐसे में लेट से पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को मेन गेट पर ही रोक दिया गया और पूरे प्रदेश में हर एग्जाम सेंटर के दरवाजे 30 मिनट पहले ही बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद छात्र बाउंड्री वॉल कूदकर दरवाजे से कूदकर अंदर जाने की कोशिश करने लगे। वहीं कई शहरों में छात्र और परिजन एग्जाम सेंटर के बाहर ही हंगामा करने लगे, जिसकी वजह से पुलिस ने लाठी से पीट कर छात्रों को भगाया।